बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये PSU के जो बैंक जितने भी स्टॉक, ये चार जो नाम बताए दोस्तों, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक्स और केनरा बैंक, ये चार बैंक जो है सरकार का बहुत बड़ा फैसला, जो नहीं जानते हैं आप आज जान लीजिए। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो भी अमल करने वाले हैं एक साल पहले से, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। नए शेयरधारकों के लिए निफ्टी बैंक में एंट्री करना मना है, जी हाँ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और जैसे HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, RBL बैंक नाम आ गया दोस्तों, अच्छा हुआ कि उसका नाम ले लिया। RBL बैंक में अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये जो देख रहे हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बहुत दूर है दिल्ली, अभी बहुत दूर है दोस्तों। बहुत बढ़िया स्टॉक था ये ऐसा, ये दो साल पहले इसकी पूरी हमारी एनालिसिस थी, इस पर ज़बरदस्त कमाई कराया था RBL, जो लोग जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेताओं की जो देन है, RBL, बंधन बैंक, इंडसलैंड बैंक, ये जितनी भी प्राइवेट बैंक के आती है दोस्तों, इसकी कहानी कुंडली अगर बताएंगे ना तो हमें कई दिन लग जाएंगे, और मैं बताने के मूड में भी नहीं हूँ और बताना भी नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे बताने में बहुत घिन आती है। पब्लिक को कैसे ये नेता बेवकूफ़ बनाते हैं दोस्तों, अगर आप इनके करीब रहेंगे तो आप जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं पब्लिक के बारे में। 100 में से 90 ये क्या बात करते हैं पब्लिक के बारे में, आम लोगों के बारे में, मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए छोड़िए इन, ये दुष्ट 90, 100 में से 90 नेताओं की ये क्या सोचते हैं बैठते हैं जब एक साथ। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे हैं दोस्तों, ये चौकड़ी गैंग जब बैठती है, चार एक टेबल बीच में और चार जब कुर्सियां लगती हैं, ये मीडिया, ये दलाल, ये कंपनी और ये ब्रोकर और ये एजेंट, ये बैकग्राउंड, ये फ्रंट, क्या बात करते हैं नए शेयरधारकों के बारे में। और क्या आपको कभी मौका मिलेगा, ज़रूर कभी छोटी छोटी पार्टियों में, क्या सोचते हैं ये इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर के बारे में, आजा दोस्तों, ये उनके लिए है, आजा बात करने के लिए, और मैं तो जाऊंगा। ये चार की चौकड़ी गैंग के पास मैंने लिस्ट बना लिया दोस्तों, और पूरी इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसके पास जाएंगे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, मेरी पूरी टीम जाएगी रिकॉर्डिंग करेगी, क्या क्या मैंने सवाल किया है, क्या क्या बात किया है। और इन चारों चौकड़ी की गैंग, टॉप 10 की जो चौकड़ी गैंग है, उनसे मैं मिलने वाला हूँ दोस्तों, हाँ जी। अब मिलने के बाद आपको वो वीडियो ज़रूर अपने चैनल पर लोड करेंगे। चलिए दोस्तों, सरकार का फैसला आते ही जिसके पास भी ये स्टॉक है, उनके तो जैक पॉट लग गए दोस्तों, जी हाँ, जैक पॉट लग गए। ऊर्जा ग्लोबल वाले स्टॉक होल्डर की जैक पॉट लग गई, सुजलन एनर्जी वाले की जैक पॉट लग गई, और गीता रिन्यूएबल वाले जो स्टॉक लिए हैं उनकी भी जैक पॉट लग गई।
ओरिएंट ग्रीन वाले की जैकपॉट लग गई, मतलब कि सोलर एनर्जी वाले स्टॉक्स लेने वालों की जैकपॉट लग गई। और जिनके पास भी जो डर रहे थे, नीचे जा रहा था, अरे नीचे जाने का मतलब कि खरीदो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में आग लग गई भारत सरकार का बड़ा फैसला आने के बाद। वो फैसला क्या है तो हम आपको बता दें कि पूरे इंटरनेशनल स्तर पे जो कॉरिडोर बन रहा है दोस्तों, उसका भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है और वर्ल्ड हीरो ऑफ वर्ल्ड इन सोलर इंडस्ट्रीज टॉप 10 नंबर 1 बनने जा रहा दोस्तों। विश्व का पहला भारत सोलर का जो पैनल, जो कॉरिडोर बन रहा है, उसका निर्माता, उसका मास्टर और उसका जन्मदाता, जो ज्ञान देता है, ज्ञानदाता भारत होने वाला दोस्तों। तो याद रखिए, सोलर, ग्रीन, रिन्यूएबल और पावर सेक्टर को भूलना नहीं दोस्तों। टाटा पावर में आग लगने वाली है, ये 500 के पार बहुत जल्दी जाने वाला दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।